बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है और अपनी मांगों को लेकर इस सड़कों पर उतर आए हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने काम का बहिष्कार किया है। पल्स पोलियो अभियान आज है और बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं जा रही है और ऐसे में कई बच्चे इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से प्रतिबंध है ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, लेकिन अब भी अपनी मांगों पर अटी हुई है। सौरभ भाटिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सौरभ, आज पल्स पोलियो अभियान है लेकिन अब भी जो प्रदर्शन है वो जारी है इनका, क्या सरकार की तरफ से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं कि बातचीत के जरिए मसला सुलझा लिया जाए? देखिए, लगातार मान मनोबल की बात जरूर होती है कि जो है कोई भी आंदोलन होता है उसके बाद सरकार की तरफ से एक मैसेज जरूर आता है। ये कहा जाता है कि सबको जो है मना लिया जाएगा, कोई भी कार्यक्रम प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन आज जब जो है पल्स पोलियो जैसा राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभावित हुआ, उससे कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के भी पोल पेपर सामने आ गई है जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि इस तरीके के अभियानों को जो है कहीं पर भी प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। महज अस्पताल तक में ही जो है पल्स पोलियो अभियान आज सिमट कर रह गया है, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा उन बच्चों को भी भुगतना पड़ सकता है जो अभी नवजात शिशु जो है आए हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से जरूर ये कहा जा रहा था कि इनकी मांगों पर अमल किया जा रहा है और इनसे बातचीत का दौर भी चल रहा है, लेकिन बातचीत के बावजूद भी आखिरकार इनका आंदोलन समाप्त नहीं होता, जिससे कहीं ना कहीं वो तमाम योजनाएं जिनसे जो है लोग सीधे जुड़े होते हैं। गौरव, अभी ये जानकारी दीजिए, जिस विभाग की जिम्मेदारी होती है पल्स पोलियो अभियान को लेकर और ये कभी नहीं रुकेगा, इसको लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, अब जब आज इन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है, क्या अब इसको आगे टाला जाएगा, एक नई तिथि का ऐलान किया जाएगा पल्स पोलियो अभियान के लिए? देखिए, क्योंकि जो पल्स पोलियो है वो राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, उसके बाद जो है तमाम जब जो है इनकी मांगे मान ली जाएंगी तो डोर टू डोर जाकर जो है ये लोग पल्स पोलियो की जो दवा है वो बच्चों को पिलाएंगी, लेकिन अभी तक जो है कोई नई तारीख अभी तय नहीं है। हालांकि ये कार्यक्रम पूरे महीने तक जो है डोर टू डोर जाके चलेगा, क्योंकि आज एक दिन निर्धारित होता है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम का दिन देश भर में एक जैसा ही होता है, तो उस हिसाब से इनको आज पल्स पोलियो की दवा का कैंप लगाकर जो पिलानी थी, लेकिन अभी तक जो है उसका कोई कैंप नहीं लगा है, जिससे ये कहा जा सके कि लोगों को सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री है हरीश रावत, उन्होंने भी 20 तारीख को इनके आंदोलन को समर्थन देते हुए इनके धरना स्थल पर जाने की बात भी कही है। उन्होंने कहा क्योंकि लगातार ये मानदेय बढ़ाने की बात कर रही है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की एक तरफ बातें होती है, ऐसे में महिलाएं सड़कों पर हों ये अच्छा नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव, जानकारी देने के लिए।